नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना सुनाने के पहले, आज के दिन दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। ईद की मैंने कल सबको बधाई इसलिए दे दी थी कि समय से जब अपलोड होता है 12 बजे के बाद लोग देखते हैं, लेकिन आज का दिन दो और त्यौहार जो उत्तर भारत में कम से कम बहुत बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, एक अक्षय तृतीया और दूसरा परशुराम जयंती। मेरे दिमाग में यूं भी आया कि आज सवेरे सवेरे सभी अखबारों में ज्वेलर्स के बहुत बड़े बड़े विज्ञापन थे, तनिष्क से लेके छोटे मोटे ज्वेलर्स के, यहाँ तक कि फ्रंट पेज की न्यूज बहुत छोटी सी टॉप में लिखी थी, बाकी सारा विज्ञापन से भरा हुआ था। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए अलग अलग ज्वेलर्स ने अक्षय तृतीया की बधाई देकर उनके यहाँ से आभूषण खरीदने की रिक्वेस्ट की थी। दूसरे तमाम संगठनों द्वारा परशुराम जयंती के बारे में उसकी बधाई और मंगल कामनाएं देते हुए विज्ञापन छपे थे। इसी बीच में भोपाल के हमारे सुधी श्रोता, बहुत पुराने किस्सागोई परिवार के मित्र व्योमेश जी ने एक मेल भी किया जो सुबह मुझे 10 बजे के आसपास मिला, जिसमें इन्होंने अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, क्यों उसकी इतनी फॉलोइंग है पूरे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में, उसके बारे में उसका ऐतिहासिक महत्व दिया। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, ना मैं इतना जानकार हूँ इन सब मामलों में, लेकिन मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं आप लोगों से इस शुभ दिन के बारे में जो विशेष जानकारी उन्होंने दी है वो आपसे शेयर करूँ। इस जानकारी को मैंने नेट पर कन्फर्म भी किया क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। व्योमेश जी की मेल में दी गई सारी जानकारी 100% सही थी। उन्होंने लिखा है कि ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया की तिथि में अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इसे अलग अलग स्थानों पर आखा तीज या अक्षय तीज भी कहा जाता है। आज ही के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया को ही परशुराम, इतिहास में बहुत जिनका बहुत बार उल्लेख है, पुराणों में, वेदों में, सब जगह इनका उल्लेख है। वेदों का तो मैं बहुत नहीं क्लियर हूँ, लेकिन पुराने ग्रंथों में सब में परशुराम जी का उल्लेख है। आज ही उनका जन्मदिन था। मान्यता है कि आज ही के दिन विष्णु भगवान के छठवें अवतार परशुराम भगवान का जन्मदिन हुआ था, जन्म हुआ था, इसीलिए आज परशुराम जयंती मनाई जाती है। आज ही के दिन शिव जी ने माता लक्ष्मी के साथ कुबेर की पूजा किए जाने का ज्ञान दिया था, इसीलिए कुबेर यानी धन धान जिनके पास होता है उनकी पूजा आज की जाती है, और इसीलिए ज्वेलरी शॉप्स के बड़े बड़े विज्ञापन अक्षय तृतीया के दिन अखबारों में आते हैं। आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास ने अपना 5वां वेद महाभारत लिखना शुरू किया था। आज ही का दिन था अक्षय तृतीया का। आज ही के दिन राजा भगीरथ ने अपने हजारों साल के तप से गंगा नदी को, गंगा माँ को स्वर्ग से धरती पर उतारा था, जो शिव जी के बालों से निकलते हुए और धरती पर आई थी। आज के दिन ही बंगाल में व्यापारी लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं और नए साल की बही खाता आज उसमें अपनी एंट्रीज जो लिखना होता है, लेन देन का जो उनका हिसाब किताब होता है, वो आज ही के दिन शुरू करते हैं। मैंने खुद भी आज में किसी कार्यवश अपने कार्य क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गया था। आते समय शहर में तनिष्क की दुकानों में बाहर तक महिलाओं की लंबी लंबी लाइन भी देखी है, इसलिए मैं समझ गया कि महिलाएं आज के दिन बहुत बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त करती हैं गहनों की और आभूषणों की। तो इसलिए आज अपने परिवार के लोगों को अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती की शुभकामनाएं, और आज अब पूरा दिन लोगों ने ईद मनाई होगी, अब ईद
का दिन आज का ख़त्म हो रहा है। हालांकि कई दिन तक लोग ईद मिलते हैं, सिवैयाँ बांटते हैं, उनको भी ढेर सारी मुबारकबाद। आज का वाकया, आज का वाकया है जनपद गोरखपुर का, थाना है खोराबाद, इलाका है रायपुर, छोटी सी जगह कह लें आप उसको, गांव कह लें, कस्बा कह लें, रायपुर। तारीख थी 25 अप्रैल 2022, घटना हालिया है, अभी हाल की है। 25 अप्रैल 2022 की शाम को करीब 7 बजे किसी व्यक्ति ने थाना खोराबाद पर फोन किया। फोन करके बताया कि साहब मेरा नाम आलोक पासवान है, मैंने अभी अभी रायपुर में प्रीति और उसके माँ बाप को मार दिया है। एसओ ने फोन उठाया था, एसओ ने पूछा कौन प्रीति, कौन उनके माँ बाप, तो उसने सिर्फ इतना बताया कि प्रीति को मैं बहुत प्यार करता था लेकिन वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, इससे आहत होकर मैंने तीनों को मार दिया, ये कह के उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। सूचना बहुत गंभीर थी, लड़की और उसके माँ बाप का कत्ल, और कातिल ने खुद फोन करके बताया कि मैंने ही ये कत्ल किया है। लिहाजा फौरन इंस्पेक्टर खोराबाग फौरन मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने सभी सीनियर्स को इस घटना के बारे में अवगत कराया, सीओ कैंट को, एसएसपी को, डीआईजी को और एडीजी को, कि इस तरह से ट्रिपल मर्डर हुआ है, सिरफिरे आशिक ने ये मर्डर किया है ऐसा लगता है, और उसने थाने पर फोन करके बताया है तभी हमको इसकी जानकारी हुई है। ग्राम प्रधान थे श्री सुग्रीव, जब उसने बताया तो सहसा उसकी बात पर जब विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधान जी को फोन मिलाया। प्रधान जी ने कहा मुझे भी लोगों ने बताया है, मैं मौके पर पहुंच रहा हूं। चूंकि ये समस्या कह लें या ये घटना दो वर्गों के बीच थी, निषाद और पासवान, आप जानते हैं गांव देहात में इन सब चीज़ों का बड़ा मायने होता है। इंस्पेक्टर ने अनुमान लगाया कि इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि गांव में दोनों ही वर्ग के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। फौरन सीओ थे जो श्यामदेव, एसपी सिटी थे कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसएसपी टांडा जी थे प्रवीण टांडा, विपिन टांडा, डीआईजी थे जे रविंद्र गौड़ और एडीजी जोन गोरखपुर थे श्री अखिल कुमार, सभी मौके पर पहुंच गए। इसी बीच में सभी को 112 नंबर से मिली हुई सूचना से भी जानकारी हो गई कि ये घटना हुई है। 112 नंबर पर गांव के या उस जगह से निकलने वाले तमाम लोगों ने फ़ोन करके ये बताया कि साहब तीन लोगों की हत्या हुई है, तीनों की लाश मौके पर पड़ी हुई है। सारे अधिकारी वहां पहुंच गए और जो यूनिट्स थी, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच, इन सब को मौके पर बुलाया गया। मौके पर सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व किया गया। पुलिस की सभी यूनिट्स ने अपना अपना काम शुरू किया। मैंने बताया कि सीन ऑफ क्राइम को पहले सिक्योर किया गया, उसके बाद चूँकि पूरा गांव उमड़ पड़ा था इसलिए उम्मीद बहुत कम थी कि डॉग स्क्वाड कहीं आगे तक जाएगा। बहरहाल डॉग स्क्वाड गांव तक गया, उसके बाद वहां पर फुटप्रिंट, ब्लड स्टेन्स, ये सब वहां से इकट्ठा किए गए, फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव रायपुर में लगाया गया। उसके बाद बॉडी का पंचनामा करके, सील करके गोरखपुर हेडक्वार्टर पर पोस्टमार्टम के लिए, वास्ते पोस्टमार्टम भेज दिया गया। आलोक पासवान को थोड़ी देर बाद ही जब वापस फोर्स थाने पर गई, ढूंढने का प्रयास कर रही थी, वो थाने के प्रांगण में ही एक कोने बैठा हुआ था। पूछने पर बताया कि मैं ही आलोक पासवान, मैंने ही प्रीति और उसके माँ बाप को अभी अभी मार दिया है। प्रीति की उम्र 20 साल थी और आलोक की उम्र 22 साल। जब सारी कार्रवाई के बाद पुलिस पहुंची
और आलोक उसे वहीं थाना प्रांगण में ही मिल गया। साथ में उसके आला कतल बांका भी था। बांका लेकर वो थाने पर गया था, जो बुरी तरह से ब्लड स्टेन था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में पुलिस को यह पता लगा कि खोरावार के रायगंज के रहने वाले गामा निषाद, जिनकी उम्र 45 साल है, वो विदेश में रहते थे। अभी 3 महीने पहले वो विदेश से लौट कर आए थे और उन्होंने अपना मकान गांव से 1 किलोमीटर दूर बंगला चौराहे पर नया मकान बनाया था। अपनी पत्नी और बेटे के साथ, बेटी और बेटों को, 2 बेटे और 1 बेटी के साथ इसी नए मकान में रहते थे। पुराने पुश्तैनी मकान में उनके 2 छोटे भाई रहा करते थे। उनके गामा निषाद भाइयों में सबसे बड़े थे, दूसरे नंबर के भाई रामा निषाद थे और तीसरे थे सरविंद निषाद। रामा निषाद और सरविंद निषाद पुश्तैनी मकान में और गामा निषाद अपने नए जो उन्होंने मकान बनवाया था उस मकान में परिवार के साथ रह रहे थे। 27 अप्रैल 2022 को रामा निषाद की बेटी की शादी होनी निश्चित थी। शादी के पहले एक फंक्शन होता है वो शाम का या रात का, मटकोड़वा। मटकोड़वा में परिवार के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। लड़की की शादी जिस मंडप के नीचे से होनी होती है वहीं पर सब इकट्ठा होते हैं। चूंकि भाई के बेटी की शादी थी और उसी दिन शाम को मटकोड़वा का कार्यक्रम था, इसलिए गामा निषाद खुद अपनी पत्नी संजू उम्र 38 साल और बेटी प्रीति के साथ पैदल ही, चूंकि 1 किलोमीटर का अंतर था गांव से उनके नए मकान के बीच में, पैदल ही मटकोड़वा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही घात लगाकर आलोक बैठा हुआ था। आलोक ने प्रीति का नाम लेकर फुसफुसाकर अपने प्यार का इजहार किया। प्रीति ने उस तरफ न देखा न सुना। उसने थोड़ा और जोर से अपने प्यार का इजहार किया। जब प्रीति फिर भी अपने माँ बाप के साथ आगे बढ़ती रही, बिल्कुल उसने अनसुनी कर दी, देखा तक नहीं, तो पीछे से वो भाग कर आया और उसने बांका से बहुत ही भीषण प्रहार उसके सिर पर कर दिया। ये प्रहार इतना भीषण था कि उसकी खोपड़ी, उसका सर 2 भागों में विभाजित हो गया। जब वो चिल्लाई तो माँ संजू और पिता गामा उसकी तरफ उसको बचाने के लिए दौड़े। आलोक ने उन दोनों के सिर पर भी वैसे ही प्रहार किया। तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने उससे बहुत बार पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया। लड़की अगर तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहती, तुमसे कोई कम्युनिकेशन कभी इस्टेब्लिश नहीं किया, तो क्यों तुम उसके पीछे इतना पड़े हुए थे कि तुम जो चाहते थे वो बोले या तुम जो चाहते थे वो करे। इसका कोई जवाब आलोक पासवान ने नहीं दिया। लेकिन गांव के समृद्ध व्यक्ति गामा यादव की इस तरह हत्या, विदेश में रहते थे, नाम था, ये हल्ला था कि बहुत पैसा है, बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, और ऐसे में इन तीनों की हत्या, पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को घर से बाहर निकालकर उनसे जानकारी लेने में, लेकिन जानकारी हो गई। जानकारी ये भी हुई कि गामा को लगभग 1 महीने पहले यह जानकारी हो गई थी कि एक लड़का उनकी बेटी प्रीति के पीछे पड़ा हुआ है। प्रीति ने ही ये बात अपनी माँ को बताई थी और माँ ने ये बात गामा यादव को बताई थी। चूंकि आलोक अपने ननिहाल में रहता था, इसके मामा महेंद्र पासवान भी, वो भी वहाँ के ठीक ठाक आदमी थे। गामा यादव ने महेंद्र पासवान को बुलवाया। बुलवाकर उनसे कहा कि देखिए, आपका भांजा जो हरकत कर रहा है वो ठीक नहीं है, गांव में बदनामी होगी,
आप उसको समझा दीजिए। महेंद्र ने बताया कि साहब मुझे भी अब से 2 महीने पहले गांव के लोगों ने बताया था कि इसकी हरकतें ठीक नहीं हैं, वो पीछा करता है, सुबह शाम पीछा करता है, बाजार जाती है तो पीछा करता है, फब्तियाँ कसता है, लड़की सीधी है, वो कुछ बोलती नहीं है, किसी से शिकायत नहीं करती। महेंद्र को जैसे ही यह जानकारी हुई, महेंद्र ने उसको अच्छी उसकी पिटाई की और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये कहा कि तुम इस गांव में दोबारा कभी मत आना। लेकिन 15 दिन पहले महेंद्र फिर वापस आ गया। तब तक गामा की बात महेंद्र से हो चुकी थी, महेंद्र बता चुका था कि मैंने बहुत समझाया है, घर से निकाल दिया है, वो दोबारा नहीं आएगा। और तब तक महेंद्र भी उसकी पिटाई करके उसे घर से निकाल चुका था। बात जैसे होता है आई गई हो गई कि ठीक है, समझा दिया है, अब ये दोबारा कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन जब वो लौट कर आया 15 दिन पहले, तो उसके दिमाग में वही जुनून सवार था। इस बार उसने तय किया था कि अब की बार मैं फाइनली पूछ लूँगा, उसके बाद वारा न्यारा कर दूँगा। और इसी के तहत 27 तारीख को उसने तीनों की, प्रीति और उसके पिता गामा यादव और माँ संजू, गामा निषाद और संजू तीनों की बांके से हत्या कर दी। घटना बहुत विभत्स, लोमहर्षक और बहुत गंभीर थी, लेकिन कहने को कुछ नहीं था क्योंकि अपराधी ने स्वयं अपराध स्वीकार कर लिया और अपराधी स्वयं थाने पर मैं आला कतल के आ गया। लेकिन किसी के कह देने से ये ट्रायल नहीं हुआ करते। ट्रायल में कोर्ट को एविडेंस चाहिए, सारे एविडेंस इकट्ठा किए गए, फुटप्रिंट्स इकट्ठा किए गए, आला नकब या आला कतल यानी बांके पर जो फुटप्रिंट फिंगरप्रिंट थे वो इकट्ठा किए गए, खून आलूद मिट्टी, जो स्टेन्स बांके पे मिले वो इकट्ठा किए गए, सारी चीज़ें इकट्ठा करके प्रॉपर चार्जशीट तैयार की गई है, अभी अदालत में सबमिट नहीं हुई है, लेकिन आलोक पासवान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आज की घटना। एक तरफा प्रेम प्रसंग की जानकारी लड़के के मामा महेंद्र को 2 महीने पहले हो गई, लड़की के पिता गामा को 1 महीने पहले हो गई। दोनों ने इसका फौरी इलाज किया, दोनों ने इसका फौरी जो तुरंत तुरंत पुरत में जो इसका इलाज हो सकता है या कार्रवाई हो सकती है वो किया। गामा ने सोचा कि मैंने महेंद्र को बुला के समझा दिया है, ये घटना दोबारा नहीं करेगा। महेंद्र ने सोचा कि मैंने इसे मार के निकाल दिया है, ये दोबारा आएगा तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर वो दोनों ही गलत साबित हुए। गामा ने यहीं पर ये गलती की। अच्छा, गामा इसके बाद भी जब लड़की ने बताया कि वो बहुत परेशान हो गई है, तो इसके बाद भी उसने ये सूचना या ये शिकायत थाने पर दर्ज कराने की सोची, एक प्रार्थना पत्र भी बनवा लिया। लोगों से जब राय मशविरा किया तो वही 4 लोग, उन्होंने ये राय दी कि आप पुलिस में मत जाइए, पुलिस आएगी, लड़की से भी पूछताछ करेगी, लड़के से भी पूछताछ करेगी, तरह तरह की बात करेगी, गांव में बदनामी होगी। और अभी 27 को ही आपकी भतीजी की शादी है, सगी भतीजी की। अगर बारात वालों को, जो लड़का जिससे शादी हो रही है, जो बारात लेकर आएगा या आ रहा है, अगर उस परिवार को ये जानकारी हो गई कि आपकी बेटी का संबंध किसी पासवान लड़के से था, तो हो सकता है वो शादी को तोड़ के बारात लेकर वापस चला जाए। ये बात इतनी गंभीर थी, ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि इससे उनके पैर गामा निषाद के ठिठक गए। यहीं पर गामा निषाद ने गलती की। पुलिस को ये सूचना जरूर देनी चाहिए थी। देखिए, इश्क का भूत उतारने में पुलिस बहुत माहिर है और बाकी चीज़ों में आपको बहुत शिकायत मिलेगी, लेकिन इस तरह के जो मजनू हैं, इस तरह के जो इश्क करने वाले हैं, उनका भूत बहुत अच्छे से उतार देती है। पुलिस का जो ये काम है, ये बिल्कुल इसमें 90% सक्सेस रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ और दावे से बता रहा हूँ।
पुलिस न मानने पे अपना वो सब करती है जो पुलिस को करना चाहिए, जो उसके पास डंडा है, लाठी है, जो भी है, बेंत है, उसका प्रयोग करती है और भूत को बिल्कुल सिर से उतार देती है। अगर सपोज करिए ये चूक पुलिस से हो जाए या लापरवाही हो जाए या किसी लालचवश, यानी लड़के को बुलाया है इश्क का भूत उतारने के लिए और लड़के के घर वाले आके संपर्क कर लें, कोई लालच आ जाए और ये भूत न उतार पाए, तो भी सूचना इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसके बाद भी इस तरह का सिरफिरा आशिक अपनी आदत से बाज नहीं आता और इसी तरह की घटना कर देता है जो आज की घटना में खोराबारिया रायपुर में जो हुई थी, तो ये कॉज ऑफ डेथ या मर्डर का मोटिव प्रूव करने के लिए, ऑन रिकॉर्ड प्रूव करने के लिए इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है कि घर वालों ने शिकायत की थी, पुलिस ने सपोज करिए 151 सीआरपीसी में प्रिवेंटिव अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया, एफआईआर नहीं भी की तो प्रिवेंटिव अरेस्ट में भेज दिया कि इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, एसडीएम की कोर्ट से वो छूट करा भी गया, तो कोर्ट के पास ये एविडेंस होता है कि मर्डर का मोटिव क्या था, क्लियर एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, और ऐसे में ट्रायल के समय बाकी चीजें गौड़ हो जाती हैं। सिर्फ ये एस्टेब्लिश करना होता है कि ये मर्डर इसी ने ही किया है, मोटिव अपने आप में क्लियर रहता है। तो अगर गामा ने ये सूचना थाने को दी होती तो ट्रायल के समय आलोक पासवान को फांसी की सजा सुनाए जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत न होती। बहरहाल चार्जशीट सबमिट होगी और उसके बाद जब ट्रायल शुरू होगा तब पता लगेगा कि मुकदमा किस दिशा में जा रहा है। समस्या को, खासकर ऐसे संबंधों वाली समस्या को कभी छिपाना नहीं चाहिए, इसको पाल पोस के बड़ा नहीं करना चाहिए, इसे पालना नहीं चाहिए कि आपने इसे पाल के रखा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आपने इसकी समस्या का निदान जल्दी नहीं किया तो ये समस्या नासूर हो जाएगी और फिर वही होगा जो आज वाली इस घटना में हुआ है। एक तरफा प्यार, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, अगर समाधान नहीं किया गया, सब तरह के समाधान हैं, सामाजिक समाधान है, पुलिस में रिपोर्ट करना है, सिर्फ सूचना देनी है, एफआईआर करनी है, हर तरह के समाधान हैं, लेकिन आपने अगर कोई समाधान नहीं किया है तो मैं अपने सेवा काल के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस तरह से एक तरफा प्यार के मामलों में 50-60% केसेस में यही हुआ है जो आज की घटना में हुआ है, यानी दोनों में से किसी एक का या उनके परिवार का नुकसान हुआ है और बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए आपके किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं कहता हूं कि अगर आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में, आपकी निगाह में अगर इस तरह की कोई बात आती है तो कभी इसको हल्के में ना लें, कभी इसको ऐसा ना समझें कि अरे डांट दिया गया है, बात हो गई, ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। 50-60% केसेस में या तो लड़के का नुकसान है या लड़की का नुकसान है या दोनों के परिवारों का नुकसान है, लेकिन बड़े बड़े और गंभीर नुकसान हुए हैं। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज क्राइम के इतर वही बुलबुल, कल मैं नहीं, परसों नहीं आया था, मैंने उसकी वीडियो आपको शेयर की थी। आज ईद का दिन था, आने जाने वाले लोग आ जा रहे थे, तभी घर में ये बताया गया कि बुलबुल करीब 11 बजे के आसपास 3-4 बार में अपने बच्चों को खूब अच्छी तरह से उसने खाना खिला दिया है। सामने बिजली के तार पर बैठकर वो काफ़ी आवाज़ें कर रही है, तरह तरह की आवाज़ें कर रही है। इसी बीच तीनों बच्चे उसके एक एक करके फुदक के घोंसले के बाहर आ गए, दो तो फर्श पर ही
पैदल चलते रहे और उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन बहुत दूर तक, यानी उनकी जो उड़ने की ऊंचाई है वो 1 फीट से ऊपर नहीं हो पाई। लेकिन एक उसमें से शुरू में गमले में लगे एक गुड़हल के पेड़ पर बैठा और उस गुड़हल की टहनी वो जो बालकनी की ग्रिल है उस तक गई हुई थी, उस पर बैठा और उससे छूता हुआ बाहर लगा हुआ नीम के पेड़ की टहनी थी, वो नीम के पेड़ पर पहुंच गया। घर वाले भागे, मुझे भी खबर हुई, लेकिन इस पूरी प्रोसेस के बीच कोयल बराबर तरह तरह के आवाज लगाती रही। जब तक मैं पहुंचा वो बच्चे के साथ नीम के पेड़ के भीतर कहीं चली गई थी। दोनों जो ये उड़ नहीं पा रहे थे, इनको एक रुमाल की सहायता से उठाकर फिर से मैंने घोंसले में रखवा दिया। मैं था, मेरी श्रीमती जी थी, कि ऐसा न हो वो इधर उधर गिर जाए, किसी पक्षी की, जो मांसाहारी पक्षी हैं, उनकी निगाह पड़ जाए तो नुकसान होगा। आज उन दोनों को, एक तो चला गया अपनी माँ के साथ, उन दोनों को मैंने उसी में रख दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो एक दो दिन से ज़्यादा वहाँ रुकेंगे। माँ आएगी, इशारा करेगी, खाना खिलाएगी, ये बाहर आएंगे और फिर अपने अपने गंतव्य को चले जाएंगे। इसलिए कल ये घोंसला भरा हुआ या उन दोनों से की रिहाइश होते हुए दिखाई पड़े, इसकी मुझे बहुत कम उम्मीद है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि 30 तारीख को संभवतः ये बच्चे अंडे से बाहर आए थे। आज चौथा पांचवां दिन है, 30 को आए थे या 29 को आए थे, और 30 से मैंने इनको वो चावल का पेस्ट और गेहूं के आटे का पेस्ट देना शुरू किया था और भरपेट खिलाता था जब तक इनकी आवाज़ या चोंच इनकी बंद नहीं हो जाती थी। ऐसा लगता है कि अच्छा भोजन, पूरा भोजन, भरपेट भोजन खाने के बाद ये जल्दी ग्रो अप कर गए और जल्दी इनके पंखों में इतनी ताकत आ गई कि ये उड़ने लगे। कल अगर घोंसला खाली हो गया, कहीं चले गए, आंखों से ओझल हो गए, तो मैं खाली घोंसले की तस्वीर आपको जरूर दिखाऊंगा। आज उन दोनों की बैठी हुई उस घोंसले के भीतर, आप देखिए कितनी जल्दी, आप अगर वीडियो में कंपेयर करेंगे पिछले 3-4 दिनों के, इतनी जल्दी इनके पर आ गए, कंप्लीट पंख हैं दोनों के, बस एक्सपीरियंस नहीं है। माँ वहाँ से जिस आवाज में इनसे बात कर सकती है वही कर रही है और ये उसको समझ रहे हैं, इसीलिए तीनों एक साथ फुदक के घोंसले के बाहर आ गए थे। अच्छा लगा कि आज का दिन उनके लिए शुभ था। बाहर निकल गए, एक को तो सभी लोगों ने, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के लोग रहते हैं, मेरे घर में जो लोग रहते हैं, उन लोगों ने आज उनको उसको जाते हुए देखा कि वो ग्रिल से उछलकर नीम के पेड़ पर माँ के साथ, वो फिर उसके आगे कहाँ चली गई या कहाँ ले गई ये पता नहीं, लेकिन उन दोनों को फीड कराने के लिए वो शाम को भी आई थी। उन दोनों को उसने थोड़ा थोड़ा खाना खिलाया। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, 4-5 दिनों की मेहनत को ज़रूर देखें, उनके स्वस्थ रहने की मैं कामना करता हूँ और कोशिश यही करूँगा कि जब से वो मेरे घर में हैं और यहाँ से निकलने के बाद भी उनका नुकसान न हो। कोई चील, कौवा, बाज, जिस किसी की नज़र पड़ेगी उनके लिए ये आहार है। छोटे हैं इसलिए बच भी नहीं पाएंगे, फुदक के भाग भी नहीं पाएंगे, तो बस उनके साथ ये हादसा ना हो। बाकी फिर कोई घोंसला बनाएगा, फिर उसके बच्चे आएंगे, फिर देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो बहुत बड़ा हो गया है, देखो ये इतना ही बड़ा था, बोल गई है जो ये जरा दो चावल, दो ये चावल लाओ, चावल चावल यहीं से उठाओ, जरा यहीं से उठाओ। उड़ गई मरने न पाए, बस बाकी उड़ जाए तो उड़ी जाएगी।
सब एक सब आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नहीं दो तो है एक बड़ा वाला वो हम जो उल्टी गया था वो हमको लग रहा है इधर चिड़िया बोल नहीं बच्चा ही उड़ के उड़ा है वहाँ चिड़िया बोल है तो आज देखिए किधर बैठा है कहाँ बैठा है।